नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और एक बार फिर से हाथ जोड़ के स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रिकेट की बात विद सिड में। दोस्तों, मुझे सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकते। 52 दिन 12 अलग अलग वेन्यू और 74 मुकाबलों के रोमांच पर सोमवार को पूर्णतया विराम लग गया। बारिश के कारण IPL इतिहास में पहली बार रिजर्व डे पर खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग ने चैंपियन वाला गेम दिखाते हुए डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 5 विकेट से हराया। इसी जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। चेन्नई की यह IPL में 5वीं जीत है। टीम ने यह कारनामा कर रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम मुंबई इंडियंस की बराबरी कर ली। खिताबी मुकाबले के बाद आइए जानते हैं किस खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड मिला। बात करते हैं ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की। ऑरेंज कैप का किताब सुमन गिल को मिला। सुमन गिल ने सबसे ज्यादा 890 रन बनाए। वहीं पर्पल कैप का किताब मोहम्मद शमी को मिला। मोहम्मद शमी ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 28 विकेट चटके। इलेक्ट्रिक स्ट्राइक ऑफ द टूर्नामेंट का किताब ग्लेन मैक्सवेल को मिला। वहीं फेयर प्ले अवार्ड, जो खेल भावना बनाए रखने के लिए मिलता है, यह दिल्ली कैपिटल्स को मिला। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, गेम चेंजर ऑफ द मैच और सबसे ज्यादा चौके का अवार्ड सुमन गिल को गया। सुमन गिल ने टूर्नामेंट में 85 चौके लगाए। वहीं सबसे ज्यादा छक्के का अवार्ड फाफ डुप्लेसी को मिला। फाफ डुप्लेसी ने टूर्नामेंट में कुल 36 छक्के लगाए। इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड यानी बढ़ते हुए खिलाड़ी का पुरस्कार यशस्वी जायसवाल को मिला। लॉन्गेस्ट सिक्स ऑफ द सीजन का अवार्ड फाफ डुप्लेसी को मिला, जिन्होंने 115 मीटर का छक्का लगाया था। वहीं कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड राशिद खान को मिला। पिच एंड ग्राउंड का अवार्ड वानखेड़े और ईडन गार्डन स्टेडियम को मिला। वहीं अंपायर के लिए एक अवार्ड रखा जाता है, जो नितिन मेनन को मिला। आइए बात कर लेते हैं खिताबी मुकाबले में किसको कौन सा अवार्ड मिला। फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड डेवन कॉनवे को मिला। वहीं सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, सबसे लंबा छक्का और सबसे ज्यादा चौके का अवार्ड साई सुदर्शन को मिला। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच का अवार्ड रणजी के रहाणे। एक्टिव कैच ऑफ द मैच का अवार्ड महेंद्र सिंह धोनी को मिला। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो में मुझसे कहीं गलती होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आने वाले वीडियोस में रिव्यू करेंगे एक एक करके 10 टीमों की, कौन सी टीम से कहां चूक रह गई और आने वाले ऑक्शन में किस स्ट्रेटजी के साथ टीमें उतरना चाहेंगी, इस पर भी बात करेंगे।